सब्सक्राइब करें सोहा पर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर करना जुर्म है या वेटिंग टिकट लेकर हम रिजर्वेशन बोगी में चढ़ सकते हैं या नहीं, और रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानून इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। ओके, तो दोस्तों, अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाइए। रेलवे काउंटर से या ऑनलाइन भी अगर टिकट खरीदते हैं और वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही भारतीय रेलवे के नियम के तहत जो अनकन्फर्म टिकट होती है ना, जो वेटिंग टिकट होती है ना, उसके साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है रेलवे में। मतलब कि दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं तो TTE यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर आपको बोगी से बाहर निकाल सकता है। उसके साथ ही रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ये तो हो गया दोस्तों, वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या नहीं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस कानून जो आपको जानना जरूरी है, जिसका जाने अनजाने में बहुत से लोग उल्लंघन करते हैं, तो उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, कानून नंबर 1 है, ट्रेन में महिलाओं के लिए रिजर्व बोगी में किसी भी पुरुष यात्री का घुसना अपराध है, और अगर कोई पुरुष महिला बोगी में घुसता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही TTE ऐसे पुरुष यात्रियों को बोगी से निकाल सकता है। दोस्तों, कानून नंबर 2, रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन की छत, सीढ़ियों, दरवाजों और इंजन में बैठकर यात्रा करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, कानून नंबर 3 है, रेलवे एक्ट की धारा 167 के मुताबिक ट्रेन में स्मोकिंग करना जुर्म है और ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून नंबर 4 है, अगर यात्रा के दौरान या यात्रा खत्म होने के बाद TTE टिकट दिखाने को कहता है तो यात्री को टिकट दिखाना होगा, ऐसा नहीं करने पर उस यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब कानून नंबर 5 है दोस्तों, किसी को शराब पीकर या नशा करके ट्रेन में यात्रा करने और गाली गलौज करने की इजाज़त नहीं होती है, ऐसा करने वाले को ट्रेन से उतारने के साथ ही उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसे मामले में 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब दोस्तों, कानून नंबर 6, दोस्तों रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत ट्रेन में फेरी लगाना या भीख मांगना भी एक जुर्म है, और ऐसा करने वालों को 1 साल की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, कानून नंबर 7 है, रेलवे की इजाज़त के बिना किसी को भी ट्रेन का टिकट बेचने का हक नहीं है, अगर कोई टिकट बेचते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 142 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसे मामले में 3 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, कानून नंबर 8 है, ट्रेन में पत्थरबाजी करना एक संगीन अपराध है, और ऐसा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, कानून नंबर 9 है, रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत ट्रेन में आगजनी करने या ट्रेन को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, लास्ट बट लीस्ट, आखिरी जो कानून है दोस्तों, अगर ऐसा कोई जो रेलवे एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संक्रमण बीमारी से जूझ रहा है तो उसके ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेलवे की विशेष यानी स्पेशल इजाज़त लेनी होगी। अगर ऐसा मरीज बिना इजाज़त लिए यात्रा करता है तो उसको ट्रेन से उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, उसके साथ जो उस मरीज के साथ अगर कोई उसका सहयात्री हो रहा है, चल रहा है, तो उसको भी उतारा जा सकता है, साथ ही उसका टिकट भी जब्त किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, डिटेल से समझ में आई हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर
और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत